खबर राजधानी देहरादून के डोईवाला से है, जहां एक युवती के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। दरअसल यह मामला भनियावाला का है, जहां ब्यूटी पार्लर चलाने वाले मुजफ्फरनगर निवासी ने एक युवती के साथ बदतमीजी की। हालांकि समय रहते पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार तो कर लिया, लेकिन स्थानीय लोगों ने डोईवाला में रह रहे बाहरी लोगों पर नाराजगी जाहिर करते हुए पुलिस से उनके सत्यापन की मांग की है। इस दौरान सीओ अभिनय चौधरी ने बताया कि पुलिस द्वारा बड़े स्तर पर सत्यापन अभियान चलाया जाएगा। वहीं उन्होंने आमजन से भी अपील करते हुए कहा कि अपनी दुकान या मकान किराए पर देते हुए उस व्यक्ति की पूरी पड़ताल कर लें और उसके बाद आवश्यक रूप से उसका सत्यापन करा लें, ताकि किसी भी तरह की अनहोनी घटना से बचा जा सके। डोईवाला से जावेद हुसैन की रिपोर्ट। देखिए, हमारे जो उत्तराखंड, हम जो पहाड़ी मूल के, हमारा पहाड़ी प्रदेश है उत्तराखंड, हमारी बहु बेटियां सुरक्षित नहीं रहोगी यहाँ पे। जब से भारी लोग बिजनौर के, मुजफ्फरनगर के, यूपी के लोग, जो योगी जी ने उन्हें सख्त किया, ये आके भानियावाला, डोईवाला, दिल्ली वाला, इस तरह जो लोकल लोग हैं यहाँ के, उनसे भी कोई दिक्कत नहीं है। जो भारी लोग हैं, वो कल घटना घटी मेरे ऑफिस के बगल में घटी, और मैं पूरी कोशिश कर रहे हैं, हमको ये समझना होगा, हमको संदेश आपके माध्यम से संदेश देता हूँ आम आदमी को, आम लोगों को, कि इनको घरों में ना रखे, बाहरी लोगों को, इनका सत्यापन हो, और सत्यापन हो पे इन पर उचित कार्रवाई हो, और कार्रवाई करके जिससे हमारा जो क्षेत्र का माहौल है वो शांत रहे। कल की बात है कि भानियावाला बाजार में एक जो सैलून की दुकान थी, उसमें एक छेड़छाड़ की घटना हमारे संज्ञान में आई। उसमें तत्काल जो है उसमें मुकदमा लिखा गया और जो अभियुक्त है उसको हिरासत में लिया गया, और स्थानीय लोगों के साथ भी मीटिंग की गई और उनकी जो भी उनकी मांगे थी और जो भी उनकी परेशानियां थी उनको डिस्कस किया गया, और इसमें एक बहुत वृहद स्तर पर क्षेत्र में एक वेरिफिकेशन ड्राइव चलाई जाएगी, और जितने भी संदिग्ध टाइप के लोग हैं और जिनका नाम पता नहीं पता है, उनको सबको थाने लाके पूछताछ की जाएगी और उनके खिलाफ चालानी कार्यवाही भी की जाएगी। साथ ही में पब्लिक से अपील भी है कि जो लोग भी अपने मकान दुकान किराए पर देते हैं, वो बहुत सोच समझ के दें, उसका प्रॉपर वेरिफिकेशन खुद भी कर लें और पुलिस के द्वारा भी उसका वेरिफिकेशन करवा लें।